हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से सीनियर आईपीएस अहदेदार सीवी आनंद ने अपने अहदे का जायजा आज हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद कमिश्नर मुकर्रर करने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर भी किया। आपको बता दें, डीसीपी इस जोन का अहदा भी सीवी आनंद ने 2001 से 2004 तक किया। सेंट्रल जोन डीसीपी का अहदा भी किया। एडिशनल सीपी हैदराबाद ट्रैफिक का अहदा 2010 से 2013 तक किया। सीवी आनंद सिविल सप्लाई कमिश्नर का अहदा भी बाखूबी किया। जब सिविल सप्लाई कमिश्नर सीवी आनंद थे, जब कई अहदेदार गरीबों का हक मारते हुए भारी रकम में अनाज को बेचने का काम करते थे, लेकिन सीवी आनंद ने ऐसे अहदेदारों को सस्पेंड करते हुए हुकूमत के सामने ऐसे चेहरों को बेनकाब किया था। सीवी आनंद साइबराबाद कमिश्नर भी रह चुके हैं। सीवी आनंद जब साइबराबाद कमिश्नर थे, जब इसने गैंग को पकड़ने के लिए कॉर्डन सर्च का आगाज किया था और कॉर्डन सर्च की मदद से ही क्रिमिनल्स को पकड़कर जेल की सलाखों में डाला गया था। सीवी आनंद सीआईएसएफ का अहदा भी कर चुके हैं, लेकिन अब सीएम केसीआर ने सीवी आनंद को नए साल से पहले 2021 के अख्तदाम से खबल ही सीएम केसीआर ने सीवी आनंद को हैदराबाद सीपी का अहदा मुकर्रर किया। सीवी आनंद इन अहदों पर मुकर्रर थे। सीवी आनंद ने अपने आप पर एक रिमार्क आने नहीं दिया। ज्ञानदारी और ईमानदारी के साथ इन अहदों पर काम किया। सीवी आनंद आज हैदराबाद सीपी के अहदे का जायजा भी ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। और लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाए रखे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उस पर फोकस रहेगा। सभी ऑफिसर्स उस पर नज़र 24 घंटे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्राइम्स भी काफ़ी रिपोर्ट होते हैं, हर तरीके के क्राइम्स। ये बीच साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ गया है, हर तरीके का साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो या चीटिंग हो या जो भी हो, तो उसका उस पर निगाह लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है वो भी सीक्रेट डार्क नेट द्वारा भी कर रहे हैं लोग, उस पर भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उसके द्वारा हम उस पर भी निगाह लगाने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन करना भी एक प्रायोरिटी होगा, रूटीन क्राइम्स पर निगाह होगा, और वुमेन सेफ्टी भी जो प्रायोरिटी रहा है गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का, उस पर और भी अच्छे तरीके से हम और स्टेप्स लेंगे। आप सबका मैं सीपी ड्यूटीज़ करने में आपकी मदद मैं चाहता हूँ। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस चार्ज लेने के संदर्भ में मैं राष्ट्र मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव साहब को मेरे ग्रीटिंग्स और थैंक यू बोल रहा हूँ। इस अवसर पर आप सभी को पता है कि हैदराबाद शहर काफ़ी डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर, पीस की बहुत ज़रूरी ज़रूरत होती है, और इस प्रयास में पुलिस को का रोल हो जाता है। 2014 जब तेलंगाना राष्ट्र बना था, उस अवसर पर भी सीएम साहब ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफ़ी उन्होंने इस पर स्ट्रेस दिया था और फर्स्ट प्रायोरिटी जैसा उन्होंने कहा था।